नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका शर्मा। वर्ल्ड क्राइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। दुनिया में कई ऐसे अजीबोगरीब जुर्म के केसेस सामने आते हैं जिन्हें सुनकर डर भी लगता है, लेकिन कई ऐसे केसेस भी सामने आते हैं जिन्हें सुनकर हंसी भी आ जाती है, लेकिन तब भी वो डरावने होते हैं। ऐसा ही मामला अमेरिका से सामने आया, जहां पर पुलिस ने एक 40 साल के शख्स को गिरफ्तार किया है और वजह ये कि उसने एक प्राइवेट जेट को ही चुरा लिया, और सिर्फ चुराया ही नहीं, उसे 10 मील तक उसने उड़ाया भी है। क्या उसे प्लेन पहले से उड़ाना आता था या उसने कोई लाइसेंस लिया है, इस बात की कोई अभी तक पुष्टि नहीं हो पाई है। लेकिन वो शख्स नशे की हालत में था, उसके प्लेन से यानी कि कैबिन से बियर की बॉटल्स भी मिली हैं, मैरिजुआना भी मिला है, स्मोक मैरिजुआना मिला है, जिससे पुलिस को ये शक है कि शायद वो शख्स नशे में था, नशे में उसने उस जेट को चुराया और नशे में ही चलाया। उसके बाद उसने कैलिफोर्निया के रेगिस्तान में उस प्राइवेट जेट की अजीबोगरीब ढंग से लैंडिंग की और फिर उस जेट को वहीं छोड़कर वो फरार हो गया। पुलिस को वहाँ से कई ऐसे सबूत मिले हैं, कई चीज़ों की अभी तक जाँच चल रही है, लेकिन देखिए नशे की हालत में एक शख्स क्या कर देता है। जैसे उसने प्राइवेट जेट को चुराया और फिर उसे 100 मील तक उड़ाया भी। लोगों के लिए अगर मान लीजिए किसी रेजिडेंशियल इलाके में गिरता या वो उसकी खुद की भी जान जाती तो काफ़ी जोखिम भरा ये वारदात उसने की है। चैलेंज उसने लिया और प्लेन को सीधा उड़ा ही दिया। और अब अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। अमेरिका में आतंकी गुरपर्वत सिंह पन्नू की हत्या रचने की साजिश में निखिल गुप्ता को अरेस्ट किया गया, जो कि अभी अमेरिकी पुलिस की हिरासत में है। इसी के साथ निखिल गुप्ता के वकीलों ने एक याचिका दायर की थी जिसमें उन्होंने कहा था कि अब इस चीज़ के सबूत दिखाए जाएँ कि गुरपर्वत सिंह हत्या रचने में निखिल गुप्ता का हाथ था। तो इसकी वजह से ये वहाँ के जजेस ने अब ये फैसला सुनाया है कि संबंध में सारे सबूत सामने पेश किए जाएँ। 4 जनवरी 2024 को बचाव पक्ष के वकीलों ने दस्तावेज की मांग को लेकर अदालत के समक्ष एक प्रस्ताव दायर किया, जिसमें अनुरोध किया गया था कि अदालत एक आदेश दे जिसमें सरकार को निर्देश दिया जाए कि वो बचाव पक्ष के वकीलों को संबंधित दस्तावेज प्रदान करे, यानी कि सारे सबूत पेश किए जाएं। इसके बाद अमेरिकी जिला न्यायाधीश विक्टर मोरेरो ने आदेश जारी करते हुए सरकार को आदेश दिया कि वो 3 दिनों के अंदर इसका जवाब दे, यानी कि उनके पास कोई सबूत है या नहीं, या अगर सबूत हैं तो वो तमाम सबूत पेश किए जाए। ऐसे निखिल गुप्ता के जो वकील हैं उन्होंने जज के सामने, अदालत के सामने ये अपनी याचिका दायर की थी, जिस पर अब ये बयान सामने आया है। और अगली बड़ी खबर, पाकिस्तान के राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ की मौत के बाद, यानी कि 1 साल उनकी मौत को हो चुका है, लेकिन उनकी मौत के बाद 2007 से चल रहा देशद्रोह का मामला, जिसमें अब सुप्रीम कोर्ट ने परवेज मुशर्रफ को सजाए मौत की सज़ा सुनाई है, लेकिन उनकी मौत पहले ही हो जाती है, लेकिन ये केस अभी तक भी चल रहा था जिसमें ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया कि उन्हें सजाए मौत दी जाए। इसके अलावा बेंच ने कहा कि 2019 में स्पेशल कोर्ट ने मुशर्रफ को इमरजेंसी लगाने का दोषी करार देते हुए सजाए मौत का फैसला सुनाया था। जनवरी 2020 में लाहौर हाई कोर्ट ने स्पेशल कोर्ट के फैसलों को खारिज करते हुए इसे संविधान के खिलाफ बताया था। इसके खिलाफ कई अपील दायर हुई, मुशर्रफ की मौत हो गई, लेकिन ये केस चलता रहा। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर फैसला सुना दिया है जिसमें मुशर्रफ को सजाए मौत सुनाई गई है। 4 जजेस की बेंच ने ये फैसला सुनाया जिसमें मुशर्रफ को सजाए मौत सुनाई गई है। और अब अगली बड़ी खबर, इसराइल और हमास के बीच अभी तक जंग नहीं रुकी है, 3 महीने से ज़्यादा बीत चुके हैं, लेकिन ये जंग थमने का नाम नहीं ले रही है। इसी के साथ इसराइल के राष्ट्रपति बेंजामिन नेतन्याहू ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें उन्होंने साफ शब्दों में ये कहा कि वो गाज़ा पर कोई भी कब्ज़ा करना नहीं चाहते हैं। उन्होंने कहा कि हमारा कोई ऐसा प्लान नहीं है, हम वहाँ रहने वाले लोगों को हमेशा के लिए विस्थापित नहीं करना चाहते हैं। नेतन्याहू का वीडियो सामने आने के बाद अनुमान लगाया जा रहा है कि इसराइल ने ये फैसला साउथ अफ्रीका के साथ शुरू हुए नए तनाव के बाद लिया है। दरअसल गाज़ा पर इसराइल की जवाबी कार्रवाई के खिलाफ दक्षिण अफ्रीका ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का रुख किया है। ICJ में साउथ अफ्रीका ने इसराइल पर खून खराबा करने का आरोप लगाया, जिसके बाद ये वीडियो जारी किया गया। ऐसा अनुमान लगाया कि इसी वजह से ये वीडियो जारी किया गया है जिसमें नेतन्याहू ये कहते हैं कि हम गाज़ा पर कोई भी कब्ज़ा नहीं करना चाहते हैं। और अब अगली बड़ी खबर, देखिए जब धर्म की बात होती है तो आपके मन में यही चीज़ें आती है कि धर्म आपको सही रास्ते पर, सही पाथ पर चलना सिखाता है, लेकिन अगर धर्म गुरु कोई ऐसा शख्स हो जो लोगों के साथ बदतमीजी करता हो, या वो धर्म गुरु ही भ्रष्ट हो,
तो ऐसी चीज़ों से या ऐसी सभी बातों से विश्वास उठने लगता है। तो ऐसा ही मामला नाइजीरिया से सामने आया, जहां पर एक पादरी ने लोगों के साथ बदसलूकी की, दुर्व्यवहार किया। ये पादरी का नाम है टीबी जोशुआ, जिसने 20 सालों तक लोगों के साथ दुर्व्यवहार किया। मामले की जांच की गई, जिसके बाद चर्च में गर्भपात के सबूत भी मिले हैं। इस मामले में उन गवाहों से भी बात की जा रही है, जिनका कहना है कि उन्होंने बच्चों के साथ दुर्व्यवहार और लोगों को कोड़े मारे जाने और जंजीरों में बांधे जाने की घटनाएँ खुद देखी हैं। बहरहाल चर्च में पादरी की अय्याशियों की जांच की जा रही है, और माना जा रहा है कि अभी भी कई ऐसे राज हैं जिनका पर्दाफाश होना अभी बाकी है। तो इससे जुड़ा कोई भी लेटेस्ट अपडेट क्राइम तक आपको देता रहेगा। और फिलहाल इस वर्ल्ड क्राइम बुलेटिन में इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।